और तहारत के अतबार सबसे अच्छा है, तो उसको करें तो औरतें भी और मर्द भी कर सकते हैं। तो मैंने तमाम तर चीज़ें बहरहाल वो इसमें आपके सवाल में लेंगे। किसी ने एक सवाल किया था, औरतों को जो होठों के ऊपर जो मूछ जहाँ होती है, मर्दों के होठों के ऊपर जो हिस्सा होता है अपर लिप्स पे जो बाल होते हैं, उनको कट कर सकते हैं क्या? जवाब का मुख्तसर ये रख दूँ कि ऐसे फतावे मौजूद हैं, चूँकि औरतों को मूछी उनकी फितरत का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेचुरल रुए वो हिस्सा है फितरत का, लेकिन मूछे बहुत डार्क कलर के उनके पार्ट ऑफ नेचर नहीं है। अगर आ जाते हैं तो कुछ उलमा ने कहा निकाला जा सकता है, लेकिन मैंने ये राय रखी थी ना निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि एक्सपेरिमेंटेड तो बात यह है, तजुर्बे की बात तो यह है कि जब निकाला जाता है तो अगली बार उससे मोटे बाल आते हैं, फिर अगली बार उससे मोटे आते हैं, ठीक है। लेकिन फतवे की बात जहाँ तक है, फतवा मौजूद है, चूँकि वो अपर लिप्स पर हैर आना औरतों की फितरत का पार्ट नहीं है, मर्दों का है, लिहाजा अगर हार्मोनल डिसबैलेंस से या कुछ वजूहत से औरतों को आ जाते हैं, या उनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है और वो बाल जो है वो कलर ज़्यादा उनका कम है जिससे वो ब्लैक नज़र आते हैं, तो ये उनकी मजबूरी है, चाहे तो वो निकाल सकती है, लेकिन मैंने मशवरा ये दिया था उसको रहने दे तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जनरली हल्के रुए औरतों के ऊपर अपर लिप्स में होना ये नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो फतवे के मुताबिक करे तो ठीक, लेकिन तजुर्बा तो ये है कि वो बाल और मजबूती से और मजबूत आते हैं, फिर बहरहाल ये उसका अपना जाती